आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। पितर दोष जीवन में बहुत सारे कामों का कारक माना जाता है। पितर दोष के निवारण हेतु वैसे तो अनेक उपाय बताए गए हैं, किंतु पितर पक्ष के दौरान भगवद गीता के सातवें अध्याय का पाठ करने से पितर दोष से मुक्ति मिल सकती है। वैदिक ज्योतिष अनुसार कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ दोष विद्यमान होते हैं जिनकी वजह से मनुष्य को जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती। ऐसा ही एक दोष होता है पितर दोष, जिसके कारण मनुष्य को भाग्य का साथ नहीं मिलता है, साथ ही जिंदगी भर उसे संघर्ष करना पड़ता है। रोजी रोजगार और व्यापार में बार बार असफलता हाथ लगती है। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। गीत शब्द का शब्द विच्छेद है गीत और भगवद। इस शब्द का अर्थ भगवान यानी कि भगवद गीता को भगवान का गीत कहा गया है। पितर पक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पूर्वजों का उद्धार होता है, पितर दोष से मुक्ति और पितर शांति मिलती है। शास्त्रों में इसे पितरों के कल्याण का सबसे सरल उपाय बताया गया है। जन्म के साथ ही मनुष्य पर देव गुरु पितर ऋण होते हैं। गुरु के बताए रास्ते का पालन करके गुरु ऋण, देवताओं की पूजा करके देव ऋण तथा पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध पिंडदान करके पितर ऋण से मुक्ति मिलती है। पितर दोष शांति के लिए शास्त्रों में पितर पक्ष के 15 दिनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें तर्पण और पिंड दान करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार भगवद गीता के सातवें अध्याय का पाठ करके भी पितर ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। आइए जानते हैं इस अध्याय का महत्व और पाठ करने का नियम। सबसे पहले जानते हैं भगवद गीता के सातवें अध्याय के महत्व के संबंध में। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का सातवां अध्याय पितर मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। कहा जाता है कि ज्योतिष के अनुसार पितर पक्ष में गीता के सातवें अध्याय का पाठ करने से पितर दोष से मुक्ति मिल सकती है। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। अगर इस अध्याय का पाठ खुद नहीं कर पाए तो किसी योग्य ब्राह्मण से करा सकते हैं। दरअसल पितर दोष से मुक्ति पाने का वो रास्ता है भगवद गीता का। जी हाँ, गीता के पाठ से भी पितर दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। और इस आधार पर बहुत सारी ज्ञान और बुद्धि खोलने वाली बातें गीता में लिखी गई है। अब अगर आप भगवद गीता के सारे अध्याय नहीं कर सकते तो जानकार विद्वानों के द्वारा विशेष तरीका, जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से आपको पितर दोष से मुक्ति मिलकर अपने पितरेश्वरों का आशीर्वाद मिलेगा, और वो चमत्कारिक उपाय है गीता का सप्तम अध्याय। भगवद गीता का सप्तम अध्याय हमारे पितर मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। जो भी मनुष्य पंडितों को भोजन नहीं करा सकते हैं, विदेशों में निवास करते हैं, वे कैसे पितर दोष से मुक्ति पाए, उनके लिए यह संभव नहीं होता है कि वो विधि पूर्वक तर्पण भोजन व पिंडदान आदि करें। तो ऐसे में ये पाठ करने मात्र से आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। श्राद्ध कर्म पूर्ण करने के पश्चात एक आसन बिछाइए और पास में छोटा सा कलश भर कर रखिए। प्रथम श्राद्ध के दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन जब से श्राद्ध शुरू होते हैं, उस दिन दाहिने हाथ में जल रखकर संकल्प लीजिए कि ये गीता पाठ अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति हेतु करूंगा। अब दिन है 16 और गीता के अध्याय के 18, तो जिस दिन घर में हमारे पितरों का श्राद्ध होता है उस दिन दो अध्यायों का पाठ करना चाहिए। आसपास रहने वाले बुजुर्ग और घर परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से बिठाकर गीता पाठ करना अत्यंत लाभदायी है। आइए अब आपको बताते हैं भागवत गीता के सातवें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का पाठ। श्री भगवान ने कहा है, पृथा पुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अन्य भाव से मन को स्थित करके
और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है, और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार या 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मनियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूल लोग मुझको नहीं भजते। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता,
इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरत वंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि बंब रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित बंब रूप मोह से मुक्त धृत निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।